नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकबात और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। बुधवार को दिग्गज अभिनेताओं में शुमार इरफान खान ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। इसी बीच एक और बहुत बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है, जहां अभी पूरा बॉलीवुड इरफान खान के सदमे से, शोक से उभरा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी दुखद खबर सामने आई है, जिसकी अमिताभ बच्चन ने जानकारी दी कि ऋषि कपूर का निधन हो गया है, जिसके बाद लोगों का, फैंस का और जो बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अभिनेत्री हैं, सबके एक के बाद एक ट्वीट आने लग गए और सभी ने ऋषि कपूर को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करी ट्वीट के जरिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट में क्या लिखा। उन्होंने लिखा, वो चले गए, ऋषि कपूर चले गए, मैं टूट गया हूँ। ऋषि कपूर राज कपूर के बेटे थे और उनका जन्म 4 सितंबर 1952 को हुआ था। उन्होंने नीतू सिंह से शादी की थी 22 जनवरी 1980 को। ऋषि कपूर ने मेरा नाम जोकर से फिल्मी दुनिया में कदम रखा था, जिसमें उन्होंने एक बाल कलाकार की भूमिका निभाई थी और जिसमें उन्हें नेशनल अवार्ड से बाल कलाकार के रूप में सम्मानित भी किया गया था। इसके बाद उन्होंने बॉबी फिल्म की, जिससे वो पूरी दुनिया में, पूरे बॉलीवुड जगत में छा गए और अपना जो उनका ये सफ़र शुरू हुआ बॉलीवुड में, या फिर यूँ कहें कि सिनेमा में जो उनका एक सफ़र शुरू हुआ बॉबी फिल्म के बाद, जिसके बाद वो चलते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, पीछे उन्होंने कभी मुड़ के नहीं देखा। साथ ही बॉबी फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। ऋषि कपूर की अचानक तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, जिसमें उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ही सर HN अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां रणधीर कपूर ने इस बात की पुष्टि की कि उनकी तबीयत ख़राब है और उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि फरवरी में ही ऋषि कपूर को दो बार और अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इससे पहले ऋषि कपूर हाल ही पिछले साल 2019 में, वो सितंबर में न्यूयॉर्क से अपने कैंसर का इलाज करवा के वापस अपने वतन हिंदुस्तान लौटे थे। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर कैंसर से जंग लड़ते हुए, लड़ाई लड़ते हुए अपनी ज़िंदगी की जंग हार गए हैं। 67 साल की उम्र में ऋषि कपूर का निधन हो गया है। ऋषि कपूर लंबे समय से कैंसर की लड़ाई से लड़ते आ रहे थे। हाल ही में अभी वो सितंबर के महीने में वापस लौटे थे न्यूयॉर्क से अपना इलाज करवा कर, लेकिन इस कैंसर की लड़ाई से जंग लड़ते लड़ते वो अपनी ज़िंदगी की जंग को हार गए हैं। लेकिन उनके यादों का जो सफ़र है, यादों का जो काफिला है, वो छोड़ गए हैं सिनेमा जगत पे, और जो उनके फ़ैन हैं, जो उनको चाहने वाले हैं, उन सभी के दिलों में ऋषि कपूर सदैव विराजमान रहेंगे, सदैव ज़िंदा रहेंगे, अपने 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 अभिनय के बल पर ज़िंदा रहेंगे। ऋषि कपूर के हीरो के रूप में पहली फिल्म आई थी 1973 में बॉबी, जिसके बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्में की, लेकिन उनमें कुछ प्रमुख फिल्में हैं जिसके बाद वो चांदनी में नज़र आए, नगीना में नज़र आए, दीवाना, प्रेम रोग, अमर अकबर एंथनी, हिना, कर्ज, मेरा नाम जोकर, इसके बाद लैला मजनू, प्रेम ग्रंथ, बंजारन, प्रेम ग्रंथ, बोल राधा बोल, कभी कभी, संग्राम, दामिनी, अजूबा अपना अपना, इना मीना डीका, जब तक है जान, नमस्ते लंडन। 2018 में एक बार फिर अमिताभ बच्चन के साथ 102 नॉट आउट फिल्म में भी वो नज़र आए थे। 2020 में उनकी एक अंतिम फिल्म आई थी द बॉडी। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि ऋषि कपूर दीपिका पादुकोण के साथ एक फिल्म में नज़र आने वाले थे, जो 2021 में रिलीज़ होने वाली थी, जिसको लेकर ऋषि कपूर काफ़ी एक्साइटेड थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण इस मूवी के आने से पहले ही उनका निधन हो गया है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये हफ्ता एक बुरे सपने की तरह चल रहा है। बुधवार को दिग्गज अभिनेताओं में शुमार इरफान खान ने दुनिया को अलविदा कह दिया, तो वहीं गुरुवार को ऋषि कपूर दिग्गज अभिनेताओं में शुमार और कपूर खानदान के चिंटू, लाडले चिंटू ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया है। 67 साल की उम्र में कैंसर से पीड़ित थे ऋषि कपूर। बुधवार रात को उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ उनके भाई और पत्नी नीतू कपूर सहित अन्य लोग भी वहाँ मौजूद हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ऋषि कपूर की बेटी रिधिमा कपूर दिल्ली में है, लॉकडाउन की वजह से वो दिल्ली में फंसी हुई है। उन्होंने दिल्ली सरकार से मुंबई जाने की इजाज़त भी मांगी है। ऋषि कपूर 92 फिल्मों में रोमांटिक किरदार में भी नज़र आए हैं, जिसकी शुरुआत सन 1973 बॉबी फिल्म के द्वारा हुई थी। अमिताभ बच्चन के ट्वीट के बाद एक के बाद एक कई फिल्मी सितारों ने, स्पोर्ट्स पर्सन ने, क्रिकेट के पर्सन ने, और तो और नेताओं ने भी बहुत सारे ट्वीट करके उनको विनम्र श्रद्धांजलि दी है। साथ ही आपको ये बता दें कि अक्षय कुमार ने ट्वीट करके कहा है कि उनका निधन बहुत ही बड़ी क्षति है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरा दिल टूट गया है।
ऋषि कपूर के लिए बड़े से बड़े दिग्गज नेता भी ट्वीट कर रहे हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। एक के बाद एक कई सारे ट्वीट आए हैं, जिसमें अक्षय कुमार का ट्वीट है, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, काफ़ी सारे नेताओं ने, स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया है, वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया है, करीना कपूर ने कहा है कि मैं बहुत ज़्यादा स्तब्ध हूँ और ये बहुत बड़ी संकट की घड़ी है मेरे लिए। बॉलीवुड के ऐसे दिग्गज अभिनेता को लोकबात परिवार की तरफ से आखिरी सलाम और साथ ही हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार को इस संकट की घड़ी में यही कामना करते हैं कि भगवान उन्हें शांति दे, उन्हें इतना धीरज दे कि संकट की घड़ी से लड़ पाएँ और संकट की घड़ी से उभर पाएँ। आप देखते रहिए लोकबात, जनता की बात जनता के साथ। धन्यवाद।